श्रीमती छाया वर्मा, श्रीमती छाया वर्मा छा जाओ। धन्यवाद सर। तीन ये जो महत्वपूर्ण बिल आया है, ये बिल बहुत ही अच्छा बिल है और इस बिल के संबंध में मैं कहना चाहूँगी कि आप तीन केंद्रीय विश्वविद्यालय बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हम केवल आठवीं तक संस्कृत को अनिवार्य रखे हैं और हाई स्कूल में संस्कृत को आपने ऑप्शनल कर दिया है, तो आपको अच्छे बच्चे कहाँ से मिलेंगे। मैं कहना चाहूँगी कि आप बारहवीं तक संस्कृत को अनिवार्य कीजिए। और दूसरी बात, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में पहले मध्य प्रदेश में था तो 14 विद्यालय था, बंटवारे में हमें चार विद्यालय ही मिला, जहां प्रोफेसरों की कमी है, लेक्चरर लोग की कमी है और जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें संस्कृत का पोस्ट बहुत कम निकलता है, तो बच्चों की संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है। अगर हम संस्कृत को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसको प्राइमरी स्तर से ही उसके अध्ययन अध्यापन के लिए पर्याप्त स्टूडेंट रखने पड़ेंगे और स्कूलों की, महाविद्यालयों की जो हालत जर्जर हो चुकी है उस महाविद्यालय को भी बहुत अच्छा बनाना होगा। और मैं कहना चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ में अभी केवल चार विद्यालय है, उसको बढ़ा के आप 10 करें, हमारी सरकार की मांग भी है, और एक यूनिवर्सिटी बनाएं ताकि वो रविशंकर यूनिवर्सिटी में अभी एग्जाम देने जाते हैं, उनका अपना स्वतंत्र का यूनिवर्सिटी हो। एक और चांसलर सुब्रमण्यम स्वामी लगा। और सर मैं संस्कृत के बारे में कहना चाहूंगी कि हमारा भारत देश धन्य है जहां जनमानस को पवित्र करने वाली संस्कृत भाषा है। आज अगर हमारा भारत देश विश्व गुरु कहला रहा है तो केवल और केवल संस्कृत भाषा के कारण ही कहला रहा है, और संस्कृत वो भाषा है जो मानव को महामानव बनाने का काम करती है, चाहे वो महर्षि वाल्मीकि हो, वेद व्यास हो, कोई भी हमारे पुराने जो महापुरुष हैं जो मानव से महामानव बने, वो केवल और केवल संस्कृत भाषा के ही कारण बने हैं। संस्कृत भाषा चार वेद और 18 पुराण और दर्शन शास्त्र, मीमांसा, इतने अधिक संस्कृत के ग्रंथ हैं जिसके कारण हमारा भारत देश एक जमाने में विश्व गुरु कहलाता था। लेकिन आज संस्कृत की जो सम्मान होना चाहिए, हमारी देववाणी का जो सम्मान होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस सम्मान में कमी आई है, उस सम्मान में गिरावट आई है। एक जमाने में जब ये इस संस्कृत भाषा को एक जाति विशेष की भाषा समझा जाता था, अगर हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो इसको सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका साथ सबका विकास, जो आप बात करते हैं, जो नारा देते हैं, उस नारा को जब सार्थक करेंगे तभी उस विद्यालय को महाविद्यालय और केंद्रीय दर्जा देना सार्थक होगा। वरना जैसे और विद्यालयों का हस्र होते देखे हैं वैसा ही हो जाएगा। माननीय महोदय, मैं इस समय अभाव है, मैं इस बिल का समर्थन करती हूं और अंत में यही कहना चाहूंगी कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद। प्लीज नो, नाउ मिनिस्टर्स रिप्लाई, प्लीज नो नॉट अलाउड, प्लीज मिनिस्टर्स रिप्लाई।